खाना खाए तो बिल देना ही पड़ेगा ना आपको। क्या रे, क्या बिल बिल कर रहा है तू? बहुत बड़ा बिल गेट्स है क्या? चल ए! बिल क्यों रे? बिल, तुम लोग बिल बिल करके मुझे टॉर्चर कर रहे हो। हेलो पुलिस स्टेशन सर, साई होटल से बात कर रहा हूँ। इधर चार पांच गुंडे खाने का पैसा नहीं दे रहे हैं, लफड़ा कर रहे हैं सर, और एक लड़का उन गुंडों को पकड़कर मार रहा है सर। उसकी उम्र 26 साल है क्या? हाँ सर, करेक्ट सर। उसकी हाइट 5.6 है क्या? हाँ सर होगा। उसका वेट 66 होगा क्या? हाँ सर, करेक्ट सर। दिखने में वो गोरा है क्या? हाँ सर। उसका कैरेक्टर फायर जैसा है क्या? सर इधर आग का गोला हो रहा है सर, आप ऐसी बात करें जैसे आप लाइव देख रहे हैं सर। लाइव नहीं रे, लाइव है। वो है तिरुतेनी और मैं हूँ पुलिस। अगले 5 मिनट में साहब के साथ मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। पकड़ो इसे, ए तू भाग रहे। तिरुतेनी, you are under arrest। सर मैं तिरुतेनी नहीं हूँ, मैं वेलू हूँ सर। तू वेलू है या बालू है, जो भी है स्टेशन आकर बात कर, मेरे साथ तुमसे पूछताछ करेंगे। हेलो राजकुमार, तिरुतेनी को अरेस्ट कर लिया। क्या, तिरुतेनी को अरेस्ट कर लिया? यही तिरुतेनी है, स्टेशन में आकर कंफर्म कर और बस जल्दी से स्टेशन आ जाओ। तेरे पति को और कोई काम नहीं है क्या? इस तिरुतेनी को ही पकड़ना काम है उसका। तुम्हारा पति ही क्यों, कहीं कभी बादशाह को आने दे, इस तिरुतेनी को कोई नहीं पकड़ सकता। कहाँ है तेरा पति? कहाँ है तेरा पति? हेलो सुनिए, मैं गीता बोल रही हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? आपको जिस तिरुतानी की तलाश है वो हमारे घर आया है। घर पे आया है? हाँ जी, हमने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया है, कहीं वो हम सबको मार न डाले। ए चुप हो जा, अपना मुंह बंद रख। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ सर? तिरुतानी मेरे घर पे है, ये तिरुतानी नहीं है, इसे जान दो, छोड़ दो। जाओ तुम। कहाँ है तिरुतेनी? कहाँ है? जैसे आपको फोन किया वो चला गया। कैसा था? कैसा था? जैसा आप सोच रहे हो वो वैसा 26 साल का नहीं है, वो 56 साल का सिंह है। सिंह? ये तो नॉन सिंह लग रहा है। ए, तू सिंह है या मैं सिंह हूँ ये मैटर नहीं करता, तिरुतेनी शेर है ये मैटर करता है। अगर वो शेर है तो क्या हमारे साथ चूहे है? अगर वो मर्द होता तो उसे यही रहना चाहिए था, ना मर्द की तरह औरत के सामने मर्दानगी दिखा गया वो। तू तिरुतानी वैसा नहीं है। तो फिर कैसा है? उसका कैरेक्टर ही अलग है। ये तिरुतानी सिर्फ गुंडे, बदमाश, लफंगे और डकैती करने वालों को मारता है, तुम जैसी औरतों और बेगुनाहों को नहीं। मैं यहाँ आया था तुम्हारे पति को मारने के लिए, बॉम्ब रखने के लिए। मैं जो बॉम्ब रखूंगा उसको फटना है या नहीं ये तेरा पति डिसाइड करेगा, समझा देना अपने पति को। सर उसके पत्थर दिल में नरमी है, मिट्टी के रूप में हीरा है वो। क्या रे, तू ये फिल्मों का टाइटल बता रहा है,
साहब, पब्लिक की नजर में वो तिरुतेनी एक अवतार है, लेकिन डिपार्टमेंट की नजर में वो सर अवतार नहीं सर दशावतार है और बहुत सारे गेटअप में घूम रहा है। दशावतार भी एक फिल्म का टाइटल है। ये भी बहुत जरूरी है क्या? hey! वो मेरे लिए बम रखेगा, इससे पहले मैं उसका चित्रे चित्रे उड़ा दूंगा। ये क्या है पापा, आप इस तरह से जिद क्यों कर रहे हैं? उसने आपको छोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है? हम सब लोग हैं ना, आप हमारे घर आ जाइए। नहीं बेटी, मैं सब कुछ भूलकर जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे या तुम्हारी छोटी बहन के घर जाऊंगा तो हर रोज दिल से उसके लिए बद्दुआ निकलेगी। मैं बेवजह उसको श्राप क्यों दूं? मेरा यहाँ रहना ही सबके लिए अच्छा है। उनका एक्सीडेंट हुआ है ना, इसलिए शायद उनका दिमाग घूम गया है और वो आप लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है उसमें, बल्कि तुम्हारे साथ जीने के लिए उसने हम सबको छोड़ दिया। मेरे भाई ने हमको छोड़ा सिर्फ आपके लिए, लेकिन आप उसे मत छोड़िएगा। नहीं, जिस दिन वो आप लोगों को अपनाएगा उस दिन मैं भी उसको अपनाऊंगी। साहब, हमने आपकी 1000 धोती पार्सल कर दी है। ठीक है, सब कुछ गाड़ी में चढ़ाओ। अरे पहले बिल देकर जाइए फिर धोती लेकर जाइए। भिखारी कहीं के, इससे तू बिल की बात कर रहा है, मार डालूंगा। ए, क्या हो रहा है इधर? ए, तू कौन है? मैं इस दुकान का मालिक हूँ। ठीक है, लेकिन तू क्या मंत्री अंडीपट को जानता है? आज उसके साले का जन्मदिन है। अरे वही, उसकी बीवी के भाई का आज जन्मदिन है, इसलिए आज बहुत से लोगों को धोती दान में दे रहे हैं। ये एक अच्छा काम है और तुम एक अच्छे काम के लिए पैसे मांगोगे हमसे। लेकिन दान तो वो कर रहे हैं, फिर हम लोग मुफ्त में धोतियाँ क्यों दें? हम तो दान नहीं कर रहे। राजनीति एक धंधा है, मुफ्त में देना राजनीति का उसूल है। इससे पहले हमने 10 दुकानों में बहुत कुछ खरीदा है, किसी ने भी मुंह नहीं खोला, जानता है तू? अगर तूने मुंह खोला तो कल ये दुकान नहीं खोल पाएगा। हे, उठाओ पार्सल। हर नेता अपने जन्मदिन पर हमारे अनाथालय में आकर अन्न दान करते हैं, डोनेशन देते हैं या खाना देते हैं, और आप यहाँ आकर हमसे पैसे मांग रहे हैं? छी, किस तरह के इंसान हैं आप? उनको कमाना नहीं आता, वो राजा लोग हैं। अगर वो लोग मर भी गए तो भीड़ जमा नहीं होगी, और हम लोग होशियार नेता हैं, हमें सब पता है तुम्हारे यहाँ कितना पैसा आता है, और इसमें से अगर थोड़ा हम ले लेंगे तो इसमें आपको क्या परेशानी हो जाएगी? दीजिए थोड़ा सा हमें। सुनिए, जन्मदिन के मौके पर 1000 लोगों का आशीर्वाद लीजिए, ऐसे 1000 लोगों की बद्दुआ मत लीजिए, हम सब अनाथ लोग हैं, हमारा श्राप मत लीजिए। ये क्या है, सीता देवी की तरह श्राप दे रही है तू? सीता अगर चाहे तो पूरे शहर को जला सकती है, लेकिन हम सीता को ही जला देंगे, खबरदार। मैडम, पुलिस को फोन कीजिए। अरे पुलिस, पुलिस की धमकी देती है हमें। मैंने इसे फोन करके बुलाया। इनको तुमने क्यों बताया? ये क्या तिरुतेनी है जो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे? जो अपने परिवार को संभाल नहीं पाए तो दूसरे मरे या जिंदा रहे, इनको क्या फर्क पड़ता है? पहले इनको यहाँ से जाने के लिए बोलो, जाने के लिए बोलो। हेलो, तेरा जन्मदिन मनाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है तो जाकर अपने बाप से मांग, पूरे शहर में जाकर वसूली कर रहा है। अच्छा, अपने बाप से पैदा हुआ है, इन गांव वाले की पैदाइश है। ए, कौन है रे तू?
ऐसे और कौन बात कर सकता है? तेरु तणी उबे, तेरे आदमी अनाथ आश्रम में घुसकर उनकी लड़कियों को मार के चले गए तो तुझे लगा कोई कुछ नहीं बोलेगा? अभी उस लड़की को सृष्टि हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उस लड़की के इलाज में जितना खर्चा होगा तू करेगा, उसके ठीक होने के बाद उसे अनाथ आश्रम भी तू ही छोड़ कर जाएगा, समझा? अरे धमकी दे रहा है तू मुझे? ए, लड़की को वापस पहुंचा। ए, तीरु तेरी का फोन था, अब तक वो कौन है दिखा रहा था, अब मैं कौन हूँ ये उसको दिखाऊंगा। सीधे हॉस्पिटल में पहुंचो और उसको उठाओ, उसका ट्रीटमेंट यहाँ होगा। जाओ तुम लोग। ए, चलो रे। ए, उस लड़की को उठा लेना, छोड़ना मत। अरे जल्दी चल। ए, अरे हट, जल्दी चल, किधर है? आप लोग कौन हैं? छोड़ दो मुझे। ए उतारो इसे, चल छोड़। यही है वो अनाथ लड़की भाई। इसको तू अनाथ क्यों बोल रहा है? मैं इसका रिश्तेदार हूँ और इस रिश्तेदारी की वजह से उस तीरुतानी को पकड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चल तू।